प्लस स्टैंड्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लास प्लस टू, फ्रॉम द यूनिट पॉलीमर और इस लेक्चर के अंदर हम पॉलीएस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन होती है डाई एसिड और डाई ऑल की जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तब पॉलीएस्टर बनते हैं और इनके अंदर एस्टर लिंकेज होती है कॉमनली यूज जो पोलियस्टर है वो टेरिलीन है जिसे हम डेक्रोन भी बोलते हैं इसको हम ऑब्टेन करते हैं जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल और टीरीथैलिक एसिड की हीटिंग करते हैं ४२० से ४६० सौ साठ टेम्परेचर पर और इन द प्रजेंस ऑफ जिंक एसिटेट और एंटीमनी मनी ट्राई कैटालिस्ट के, के साथ तब हमें टेरिलीन ऑप्टेन आता है देखो एक तो हमने क्या लेना है इथाइलिन ग्लाइकोल लेना है एथवर्ड आया है मतलब दो कार्बन आइटम है सी एस टू सी ग्लाइकोल रिप्रेजेंट करता है डाई ओल को मतलब दो एल्कोहलिक ग्रुप हैं इसके अंदर दूसरा है टीरिथैलिक एसिड तो इस तरह से बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के साथ दो सी ग्रुप जुड़े हुए होंगे और वो भी पैरा पोजिशन के ऊपर जुड़े हुए होंगे मतलब वन फोर पोजिशन के ऊपर दो सी डब्ल्यू एच ग्रुप जुड़े हुए होंगे जब हम इसकी हीटिंग करेंगे 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर पर और इन द प्रजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड ऑक्साइड कैटालिस्ट तब यहाँ से वोटर का रिमूवल होगा जो एल्कोहल है उससे एच और कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ एच मिलकर एच टू की फॉर्मेशन करेंगे और ये दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी और इस तरह से टेरिलीन और डेक्रोन की फॉर्मेशन हो जाएगी अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये हाईली रेजिस्टेंस होता है टू द एक्शन ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट मतलब इसके ऊपर केमिकल्स का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और दूसरा बायोलॉजिकल एजेंट मतलब जो कीट वगैरह होते हैं वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके जो फाइबर हैं वो स्ट्रोंग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं तो ये क्रीज रेजिस्टेंट होता है क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जिसके अंदर सलबे वगैरह नहीं पड़ती हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज किया जाता है कॉटन और वूल के साथ इसकी ब्लेंडिंग करके कपड़े बनाने में टेरीकोट सुना होगा तुमने टेरीकोट किससे बनता है जब हम टेरीलिन और कॉटन को मिक्स करते हैं तो टेरीकोट की फॉर्मेशन होती है दूसरा इसका यूज है सेफ्टी हेलमेट्स बनाने में देखो ग्लास के साथ इसकी रैनी फोर्सिंग की जाती है रैनी फोर्सिंग का मतलब होता है कि इसकी मिक्सिंग की जाती है और जिसके कारण जो ग्लास है वो स्ट्रोंग हो जाता है और इसलिए सेफ्टी हेलमेट्स बनाए जाते हैं तीसरा इसका यूज है कि जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स हैं और जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट पॉलीमर हम ले लेते हैं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर और इसके नाम से ही हमें इसकी मोनोमर यूनिट का पता चल रहा है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड इसकी मोनोमर यूनिट है इसका दूसरा नाम है बैकेलाइट तो बैकेलाइट को कैसे ऑबटेन करेंगे कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन के द्वारा ऑबटेन करेंगे फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन कराया जाएगा एसिड या बेस कैटालिस्ट की परजेंस में तो देखो फिनोल का फॉर्मूला होता है इस तरह से बेंजीन रिंग है इसके ऊपर ओ एच OH ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनोल बोलते हैं इसको और फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है एच सी एच ओ एसिड या बेस ले लिया और उसकी प्रजेंस में इसकी ट्रीटमेंट की तो इससे हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल जिसे हम हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल भी बोलते हैं और हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल जिसे हम हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल भी बोलते हैं ये दोनों फॉर्मड हो दो जाते हैं देखो जो औरड्रोक्सी मिथाइल एल्कोहल है इसका जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो इससे एक लीनियर पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम नोवा लैक बोलते हैं जो ये यूनिट्स हैं ये एक लीनियर चेन के अंदर जुड़ जाती हैं और वोटर मोलिक्यूल का यहाँ से रिमूवल होता है और इस तरह से जो एक पॉलीमर बनता है उसे हम नोवा लैक बोलते हैं जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है और हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है जब इन दोनों का कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन होता है तो बनता है बैकेलाइट ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक हो जाती हैं और क्रॉस लिंकिंग होती है इनके अंदर इस तरह से ये यूनिट्स वाटर मोलिक्यूल के रिमूवल के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इस तरह से बैकेलाइट की फॉर्मेशन होती है यहाँ से इसके अंदर क्या होता है ओ एच निकलेगा और जो दूसरी पोज़िशन है उससे एच निकलेगा और वोटर का रिमूवल होगा हो अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं बैकेलाइट एक क्रोस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं जिनके अंदर परमानेंट चेंज हो जाता है उसके बाद इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता जो पॉलीमर हैं इसकी दो टाइप होती हैं एक तो लो डिग्री पॉलीमराइजेशन से बनता है जिसे हम सॉफ्ट बैकेलाइट बोलते हैं और दूसरा हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन से बनता है जिसे हम हार्ड बैकेलाइट बोलते हैं अब हम इनके यूजेस देख लेते हैं सॉफ़्ट बैकलाइट का यूज़ किया जाता है ग्लू जो गोंद वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए और ये ग्लू यूज़ किए जाते हैं जो वुडन प्लैंक्स होते हैं इनकी बाइंडिंग करने के लिए इनको लेमिनेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्निसज और लेक्योर जो पेंट वगैरह होते हैं उनके अंदर भी सॉफ्ट बैकेलाइट का यूज़ किया जाता है दूसरा है हार्ड बैकेलाइट हार्ड बैकेलाइट का यूज किया जाता है कॉम्स बनाने में जो कंघे होते हैं फाउंटेन पेन जो पहले पेन आते थे जिनके अंदर इंक डलती थी उनको फाउंटेन पेन्स बोलते हैं फॉर्मिका टेबल टॉप बनाने में इलेक्ट्रिकल गुड्स मतलब जैसे स्विच है प्लग है हैंडल हैं अलग अलग यूटेंसिल्स के उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है और हैं फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने में कंप्यूटर डिस्क बनाने में बैकलाइट का यूज होता है देखो अब हम नेक्स्ट पॉलीमर ले लेते हैं मेले माइन फॉर्मलडी हाइड इसके नाम से ही हमें इसकी मोनोमर यूनिट के बारे में पता चले मेले माइन और फॉर्मल्डिहाइड हाइड इसकी मोनोमर यूनिट है इसका दूसरा नाम होता है मेलमैक तो मेलमैक को कैसे ऑबेन करते हैं मेलेमाइन और फॉर्मलडी का कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन कराया जाता है जिससे बनता है मेलेमाइन फॉर्मलडी पॉलीमर। देखो मेलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर एक सिक्स मेंबर्ड रिंग होगा इस अल्टरनेट पोजिशन के ऊपर डबल बॉन्ड होंगे जहां पर नाइट्रोजन एटम नहीं है वहां पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा एन एच टू अमीनो ग्रुप तो इस तरह से तीन अमीनो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं दूसरी मोनोमर यूनिट है फॉर्मल तो इसका फॉर्मूला है एच सी एच ओ हीटिंग करते हैं हीटिंग करने से दोनों यूनिट्स आपस में जुड़कर एक रेजीन इंटरमीडिएट बनाती हैं जो एन एच टू है इससे एक एच रिमूव हो जाता है और इसके साथ यहाँ पर सी एच टू ओ जुड़ जाता है और ओ के बाद जो यहाँ से एच कम हुआ था वो एच जुड़ जाएगा फिर इस रेजीन इंटरमीडिएट का पॉलीमराइजेशन होगा और यहाँ से वोटर का रिमूवल होगा जो एन एच है इससे एक एच और जो यहाँ पर ये ओ OH एच है यहाँ से ओ OH एच निकल जाएगा इसी तरह से यहाँ से एक एच निकल जाएगा और इस तरह से बन जाएगा मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पोलीमर अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं तो जो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पोलीमर है ये वेरी हार्ड होता है और टफ़ होता है दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको ड्रॉप करते हैं गिराते हैं तो ये ब्रेक नहीं होता है और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके बहुत सारे यूजेज हैं और पहला यूज है कि इसका यूज किया जाता है इन मेकिंग द्रोकरी क्रोकरी होती है जो कप प्लेट वगैरह होते हैं इनको हम क्रोकरी के अंदर इंक्लूड करते हैं तो यहीं से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है कप और प्लेट बनाने में जो नॉन ब्रेकेबल होते हैं जो हार्ड होते हैं और जो ड्यूरेबल होते हैं ये हमने कुछ पॉलीमर्स डिस्कस किए थे थैंक यू